करते हैं, करें कंट्रोल प्लीज. कैन वी प्ले द मैसेज ऑफ डॉक्टर किरण बेदी. Dear Dr. Roy, this is a real pleasure for me to know that you have initiated, along with your International Art Consortium of Creative Artists, such a wonderful human support campaign, Support Breast Cancer Victims Through Art, in partnership with the National Breast Cancer Foundation Incorporated of Dallas, Texas. I'm extremely touched on this initiative of yours, Dr. Roy, and it's my pleasure to inaugurate the first global launching exhibition of this year long campaign as the inaugurator. I'm so grateful that you've given me this opportunity. As a human activist, my heart and spirit will be with the victims of breast cancer and will continue to support such noble and creative endeavors. I wish this campaign a great success. I totally admire and respect your creative initiatives, Dr. Roy. Hope to connect again and be with you one day soon. Thank you, Dr. Roy. This is your friend, Kiran Bedi from New Delhi. ये प्रयास जो आप लोगों का है, इस प्रयास को हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए आर्ट क्रिएट करना एक स्तर की बात है, और दूसरी स्तर की बात है उस आर्ट को दुनिया के पास पहुंचाना. और इस मामले में यहां पे हमारा जो कैंपेन है, सपोर्ट ब्रेस्ट कैंसर विक्टिम्स थ्रू आर्ट, ये कैंपेन आपके साथ खड़ा होता है. और जहां पे आपको कुछ डोनेट नहीं करने का है, अभी हम चाहेंगे आपके आर्ट को एक मुकाम तक पहुंचे कि आप लोग, जैसे कोई 1 लाख रुपए में कोई पेंटिंग बेचेंगे, प्राइस रखा है, या कोई 2 लाख रुपए में रखा है, हम चाहेंगे कि वो 3 लाख में बेचें, हम चाहेंगे कि वो 4 लाख में बेचें. ये पैसे की कड़ी नहीं, इसका एप्रिसिएशन और बेटर हो, इसका मतलब ये रखना चाह रहा था. और ये जो है हमारा कैंपेन जो है, आपके इस एग्जीबिशन को बॉम्बे के जो नामचीन आर्ट कलेक्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे टाटा सन्स हुआ, जैसे गोदरेजेस हुआ, इन लोगों को हम एक संदेश के साथ आपके एग्जीबिशन तक पहुंचाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हर प्रकार के जो लीडर्स हैं, वो आज हमारे कैंपेन में किरण जी इनॉग्रेट किया है, दूसरी तरफ से मोदी जी का शबाशी आया है, इसी तरफ से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल हम लोगों को जगह दिया है कि हॉस्पिटल बनाए आप कैंसर का, असम से हेमंत विश्व शर्मा एक जगह दिया है हॉस्पिटल बनाने के लिए, बेंगलोर में अनिल सेठी जी हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बड़े सीनियर हैं, वो कंधे पे कंधा जुड़ के हमारा साथ है. तो ये आर्ट की कोई राजनीति नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि हम सारे रंग से खेलते हैं. तो आपके एग्जीबिशन को भी हम चाहेंगे कि 4 चांद लगे और सारे बेस्ट ऑफ द पीपल, अच्छे से अच्छे जो हैं, वो आए. आज आपके साथ मेरे
कोलैबोरेटर जो है साथी है हैदराबाद से, जो एक बहुत ही अच्छे वेब न्यूज चैनल रन करते हैं, टाइम्स इंडिया न्यूज चैनल बोल के, वहां से आज रात से आपके ये एग्जीबिशन को प्रमोट करने लग जाएंगे। राजा डॉक्टर राजा पगड़ीपल्ली, आई मस्ट वेलकम यू एंड प्लीज एड्रेस ऑल दीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ माइन हु ऑल आर आर्टिस्ट्स, दे गिव देयर हार्ट, ये अपना हृदय को अपने कैनवास पे उतारते हैं रंग के साथ, अपने मन की दुख मन की सुख दोनों डालते हैं। जैसे आपने मेरे घर पे आके मेरे पेंटिंग्स को देखा है, अभी कलकत्ता आए थे आप 28 को, तो राजा हमारे साथ मिलके एक हॉस्पिटल बना रहे हैं कैंसर पीड़ितों के लिए जो फार्मर्स हैं हैदराबाद तेलंगाना राज्य के, हॉस्पिटल हैदराबाद में बन रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कैंसर की ट्रीटमेंट लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है इस ये एग्जीबिशन, ये जो कैंपेन है आपके एग्जीबिशन से, आपको कुछ डोनेट नहीं करने का है, आपको सिर्फ एक बात करने का है। क्या? आपको ये बात करने का है कि ये जो एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहां हम आर्टिस्ट पेंटिंग बनाया और होस्ट किया कि कोई आके हमारे पेंटिंग को खरीद ले, नहीं, आप साथ में ये भी कहेंगे कि ये एग्जीबिशन के जरिए एक संवाद हम पहुंचाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को कि कैंसर जैसे बीमारी के पास आप सब आइए और हमारे साथ दें, हम एक साथ मिलके इस एग्जीबिशन को, इस आर्ट को कैंसर की पीड़ितों के सपोर्ट में अपने आप को निछावर करें। कैंसर की दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एक है कैंसर की अवेयरनेस। हम बहुत दफे एक हमारे जो चेकअप है बॉडी का फिजिकल चेकअप वो लेट में जाके करते हैं, तब तक कैंसर हमारे बॉडी में छा जाता है। तो आप जब ये संवाद करेंगे मीडिया के जरिए दुनिया को कि आप जरूर आपके नजदीक के कैंसर हॉस्पिटल में जाइए या क्लिनिक में जाइए और अपने आप को टेस्ट करा लीजिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये मैसेज देना अपने आप में, उसके बाद आएंगे उसकी, अगर आप पीड़ित हैं तो हम हैं, हम हमारे कैंपेन, ये एक साल चल रहा है, ये 2022 के 31 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा। हम ऑलरेडी एक $100,000 डोनेट किया है नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका को, जो हमारे पार्टनर हैं इस कैंपेन, और वो हमारे पूरी साथ मदद दे रहे हैं कि प्रोटॉन थेरेपी जो सबसे महंगा थेरेपी है इंडिया में आज के दिन में, जो सिर्फ अपोलो चेन्नई पे मिलता है, तो वो प्रोटॉन थेरेपी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चार हॉस्पिटल के जरिए, एक बंगाल में, एक असम में, एक यूपी में और एक हैदराबाद में, ऐसे हमने अभी तक ये तैयार किया है, क्योंकि ये चारों जगह के लिए हमको जगह मिली है, हमें सपोर्ट मिली है। हो सकता है आपके ये एग्जीबिशन के बाद जब ये संवाद
महाराष्ट्र में फैलेगा तो हो सकता है महाराष्ट्र से भी हमें कोई कोलैबोरेटर आए, हमारे हाथ पकड़े और बोले एक हॉस्पिटल हम भी बनाते हैं यहाँ हमारे गरीब तत्वों के लिए। जो आज 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते अपने आप को ये थेरेपी लेने के लिए। आज लोग चेन्नई में आप जाएंगे तो एक रेडिएशन सेशन के लिए वो 3.5 से 4 लाख रुपए मांगते हैं और एक कैंसर पीड़ित को मिनिमम 20 से 25 रेडिएशन लेना पड़ता है। तो समझ लीजिए 1 करोड़ के आसपास खर्च हो गया। कौन सा गरीब आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता है। कौन सा मेडिक्लेम ये कवर करेगा? एक गरीब आदमी उतना बड़ा मेडिक्लेम ले भी नहीं पाता। तो इसी कारण आज ये कैंपेन इस जगह में पहुंचा है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ एक साथ होके इसको आगे बढ़ाएंगे और मैं इसको और आगे 2 मिनट मैं चाहूंगा आप हमारे साथी राजा डॉक्टर राजा प्रगतिपल्ली फ्रॉम हैदराबाद प्लीज एड्रेस माय ब्रदर्स सिस्टर्स आर्टिस्ट्स इन दिस जूम प्लीज। Thank you, sir. Thank you so much. I want to thank Banu ma'am, Swati ma'am, Ranjit Verma sir for your wonderful present in this program. Last but not least, the man of the day, Dibankarai sir, a man who is behind the entire atmosphere, knowing the big magnitude of this program, being a global chairman and president of CEO of International Art Acts, Dr. Dibankarai sir's pioneering initiative to help breast cancer victims. Really, this is a fantastic job which has to be done in our nation because our nation needs it. Actually, cancer is a very costly affair because so many people, those who are middle class or below that line, they were unable to cope up with the challenges, financial challenges, health challenges that are posed by cancer, especially in women, breast cancer. So many are dying. They are dying unknowingly. They don't know what happened to them because there is a lack of awareness. There is lack of awareness among us. So that is the one reason. And if there is awareness, they were unable to cope up with the cause that incur on that issue, health issue. So there are so many reasons. Anyway, if you see the statistics, all over the world, millions are suffering, and in India, thousands are suffering every year. So at this time, when nation needs the services, so there is a person who is leading us on the name of Support Breast Cancer Victims Through Art campaign. He's the global chairman of the campaign, global convener of the campaign. In the last month, when I met our Sri Dr. Dibankarai sir, really I was fascinated. Being such a great person, he has taken such a great noble cause and he is putting all his 100% efforts to execute that program. Really, when we requested on behalf of Telangana state and Telugu states, on behalf of South India, sir, here people need, because in South India, there are more farmers at poverty line, below poverty line, middle class. There are all segregated in different classes. But anyway, they need it because we have already done the campaign Save Farmer Bill Nation and it is also growing. So while we are in that campaign, we came to know about the problems, especially health issues faced by the middle class farmers in this arena. So they need such help, not only those farmers, but the people. There are so many, especially the middle class people and below that line. So these people should be supported by such initiatives, because in the present scenario, if any person go to private hospital,
they cannot afford. In case if they go and be back, all their lifetime savings will be come to dead end in a single day for a single problem. So in this scenario, this is a ray of hope. So Deepankar Rai sir is a Rai, but he becomes a ray of hope for so many millions. And really it happens. When it is executed, people will know, because I have a vision for the program, because I can visualize. Because when I see a SARS passion through art, when we can do these things, of course, the art has the capability to bring all nations together. So when art has the capability to bring all nations together, of course, art has the capability to make the impossible to possible. So many people, there are commenting that how can you build cancer hospitals through art campaigns? How can you help breast cancer victims through art campaigns? Is it possible? Of course, people are, they're always there to criticize. But when we have a strong will, willpower, passion like our Deepankar Rai sir. So when we have such passion, of course, it certainly, it can be, one day we can see. Of course, there is a day after 1 or 2 years, we'll conduct these meetings. But we can see there are hundreds of people in our meetings, because when we get succeed, the people follow the success people. So I visualized that the moment I had a conversation with our Deepankar Rai sir, because he's not the man of the words, he's the man of the deeds. So really, we are so much honored to be part of this campaign. Our Mission Humanity International Rai Council, along with our Times India TV. Really, we are honored to be part in this campaign. And also, we are planning to conduct one more campaign in Hyderabad also with the help and support of our Deepankar Rai sir in coming months. Still, we are doing the groundwork, but soon we are planning to conduct such a wonderful campaign in Hyderabad also. Of course, that can become possible because we are not artists. We don't have any background that, but we have confidence that we have in front of us, we have a personality who can pioneer our nations. So that Deepankar Rai sir is there with us. So we boldly believe that we can, of course, we can go with a campaign in Hyderabad also. We can enlighten people on breast cancer, because the support breast cancer victims through art, that has that magnitude, that has that subject, that has that visual, that vision. So that mission it has. So such a great theme this campaign is coming. Of course, in future, we can see so many governors, chief ministers, and our, including our nation, our central governments also appreciate our global convener. And the day will come, I surely trust. And I wish each and everyone, those who participated in that, all the best. And I say congrats to Deepankar Rai, sir, because you are in the middle of the journey, sir. No way turning back. You'll get succeed. No best wishes, only congratulations. Because you said drops can make ocean. Really, sir, that happens because that data we have. Thank you, sir. Thank you so much for giving us that wonderful, beautiful opportunity. Thank you, sir. You know, हम बोलते हैं कि भानु जी, मेरा एक कहना है कि together we can cross the ocean. हम साथ मिलके एक समुद्र पार कर सकते हैं. पार कर सकते हैं, जी सर. आप देखिए, आज कुछ ही दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में जो उन्होंने वार्तालाप रखी थी, स्पीच, जब पूरी दुनिया को मालूम पड़ा था कि स्वामी विवेकानंद कौन है, देखे ना, तो वो अकेले नहीं थे, पूरे विश्व उनके साथ था. उनको कुछ मालूम नहीं था कि वो जो यात्रा शुरू किया था, उनको कुछ नहीं मालूम था कि वो कहां से कहां पहुंचेंगे. आज देखिए, पूरे दुनिया में उनकी स्टूडेंट्स, जिनमें से एक मैं भी हूं, मेरा बचपन उनके स्कूल में बीता है. मैं भानु जी के लिए ज्यादातर हिंदी में बात कर रहा हूँ. थैंक यू सर.
हर एक शब्द समझ पाए. राजा आई थिंक आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम नहीं है ना, आप yes, हिंदी समझ सकते हैं. यस थैंक यू सर. आज मेरा भी कहना यही था जब हमने शुरू किया था, और कैसे आर्ट एक हॉस्पिटल की चेहरा एक नहीं चार बना सकता है. ये मैजिक जो है, ये मैजिक आज हम देख रहे हैं, बनने में दिख रहे हैं. कैसे देखिए, आर्ट हम बनाते हैं, वी आर आर्टिस्ट्स. उसके बाद खरीदते कौन है ना, आर्ट क्यूरेटर्स. और क्यूरेटर्स से खरीदते कौन है ना, रियल आर्ट पैट्रॉन्स, जो आर्ट लवर्स हैं, जो अपना पैसा आर्ट खरीदने में उनको शांति मिलती है, सुख मिलती है. और इन्हीं लोगों में से एक तत्व है जो कॉरपोरेट्स होते है ना. तो अल्टीमेटली आपके पेंटिंग कनेक्ट करता है टाटा से. क्यों? थ्रू क्यूरेटर्स टाटा ने आपकी 10 पेंटिंग नहीं, आप जैसे लाखों आर्टिस्टों का लाखों पेंटिंग खरीदा है. कहीं उनके होटल्स में यूज किया है, कहीं उनकी कंपनी की ऑफिस में यूज किया है, कहीं उनकी पर्सनल डायरेक्टर्स की बंगलेज में यूज किया है. ऐसे ही हजारों टाटाज हैं जो आर्ट के जरिए जुड़ते हैं. और हमारा ये जो वार्तालाप है, ये जो मैसेज है, ये मैसेज वही है. और इसी मैजिक से स्वाति जी ने देखा है, स्वाति जी एक पेंटिंग से जुड़ा था, और कब जाके वो 12 पेंटिंग दे दिए उन्होंने खुद को मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अचानक कहीं इक्वेडर से कोई 15 पेंटिंग दे रहा है, कोई लटविया से 12 पेंटिंग दे रहा है, कहीं यूके से 14 पेंटिंग दे रहा है. एक एक आर्टिस्ट, हमारे बड़े प्रिय मित्र एक आर्टिस्ट हैं, हेलेन लैक, जो खुद इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं. उनका ऑपरेशन हो चुका है, अभी थोड़े दिन पहले वापस हॉस्पिटल में गए हुए थे. तो आज के दिन में हम ये चलते चलते ऐसे जगह में पहुंचे कि हम नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका को $100,000 दे पाए. तो $100,000 कोई मामूली रकम नहीं है, $100,000 मतलब करीब 1 करोड़ रुपए. तो आज ये अगले 1 साल तक हम जब एक एक करके कॉर्पोरेट्स को जुड़ते जाएंगे, बांधते जाएंगे, तब जाके ये देखिए, 2 चीफ मिनिस्टर आगे आ गए हैं, 2 एनजीओ आगे आ गए हैं. एक एनजीओ मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूँ, युवा अनस्टॉपेबल बोल के, वो 100 कॉर्पोरेट्स को वो खुद रिप्रेजेंट करता है, अमिताभ शाह. तो ये एक ऐसे दुनिया है जो दुनिया को एक करेगा, और ये आर्ट की दुनिया है. तो मेरा कहना यही है आप सब से कि आपके जो ये एग्जीबिशन है, इसको 4 चांद लगे. हमारा ये जो डॉक्टर राजा पगडीपल्ली है, इनका टेलीविजन चैनल, हमारे अमेरिकन टेलीविजन चैनल्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वाति जी को मालूम है, और साथ में और भी न्यूज मीडिया है. UNI ने एक नहीं 10 दिन के अंदर 2 न्यूज किया है हमारे कैंपेन के लिए. सिर्फ कलकत्ता में 12 अगस्त से आज तक 5 एग्जीबिशन हो चुका है, जिसमें एक एग्जीबिशन में राजा डॉक्टर राजा खुद आए हुए थे, हैदराबाद से उड़ के आए थे देखने के लिए, शामिल होने के लिए और महसूस करने के लिए सच्ची में ये क्या है. और वापस जाके कैसे
मन बनाया, ये तो आपने आप सुना उनके मुंह से। तो ऐसे हजारों हैं, हम चाहते हैं ये लाखों में परिवर्तित हो, और होंगे, क्योंकि हमने शुरुआत किए थे मेरे दो पेंटिंग से। आज 1672 पेंटिंग है टोटल अभी तक डोनेटेड, 1672 पेंटिंग्स, 862 आर्टिस्ट आर पार्ट ऑफ दिस कैंपेन फ्रॉम 60 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इनको आगे बढ़ाने के लिए ग्रैमी अवार्ड विनर म्यूजिक कंपोजर हैं केविन मैकी, जो हॉलीवुड से हैं, अमेरिका से हैं। वो एक म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं हमारे इस कैंपेन के लिए, और जो डेडिकेट कर रहे हैं उस एल्बम को, वो ग्रैमी विनर हैं, उनका एक एक एल्बम लाखों करोड़ों में बिकता है, और उन्होंने वो सारे पैसे डेडिकेट कर दिया है हमारे लिए। बोले हमारे सिर्फ वो नाम रहेगा, बाकी पैसे जो भी आएगा सोनी से किया, जो भी इनके यूनिवर्सल जिनसे किए सब खरीदते हैं इनके काम, ये सब पूरे कैंपेन में जाए। तो हम क्या करेंगे, हम दो चीज करेंगे। एक, लोगों को बोलेंगे कि भाई बहन माँ बच्ची आप जाओ खुद को चेकअप कराओ, इतना तो हम कर सकते हैं, इतना तो हम बोल सकते हैं। और दूसरा, हम कोशिश करेंगे, चार हॉस्पिटल की नींव हम रखे हैं, वो 40 हॉस्पिटल हो जाए। स्वामी जी के आशीर्वाद है, भगवान की आशीर्वाद है, अल्लाह की दुआ है, गॉड इज देयर विद अस। हमारी कोई मकसद, हमारी कोई रिलीजियन नहीं है, एक ही रिलीजियन है, वो है ह्यूमैनिटी, मानवता, मानवता। और ये मानवता हमको जिंदगी हम देने का कोशिश करेंगे जितना दे सकते हैं, एटलीस्ट जिंदगी छीन ना जाए। तो ये आपके कैंपेन, जो ये एग्जीबिशन 21 सितंबर से शुरू हो रहा है, हम कोशिश करेंगे फिजिकली वहां रहने के लिए, हमारे साथ हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे जितने दोस्त हैं टाटा से, बिरला से, अंबानी से, हमने टीना जी से बात की है, नीता जी से बात की है, दोनों से हमारी संबंध है, कि वो उन खुद ना जा पाए, उनके डायरेक्टर्स को भेज चुनने के लिए मीटिंग्स, और उन्होंने वादा किया है कि जरूर कर। मैं आपको कहूंगा कि आपके जो बेस प्राइस है वो तो मैं मुझे मालूम नहीं है, बेस प्राइस को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, आपका हर एक काम बिक जाएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। प्रकाश जी आप हैं साथ में, कैन आई हियर यू प्रकाश जी, आर यू देयर? तो आप कि मैं ये वादा करता हूं कि हर एक काम बिक जाएगा आपका, और आप अगर सोचा है कि 1% में बिकेगा तो मैं बोल रहा हूं 3% में बिकेगा, क्यों, ये सिर्फ टका नहीं है, दिस इज जस्ट नॉट मनी, दिस इज द हार्ट दैट यू आर गिविंग। तो आप वहां पे जो आएंगे उनको आप यही कहिएगा, आज से आज रात से हम भी कैंपेन चालू करेंगे आपके लिए, आपके एग्जीबिशन के लिए, और आप भी लोगों से कहिएगा कि हम इस कैंपेन के साथ, गर्व के साथ, ये कैंपेन जिंदगी बढ़ाने वाले हैं, हम जिंदगी को बढ़ाएंगे। आपके कैंपेन जब तक खत्म होगा तब तक बेंगलोर का तैयारी चालू है ऑलरेडी, वहां पे आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट हैं, दुदामणि, he has taken initiative,
और करीब 20 आर्टिस्ट बैंगलोर के हैं जो बैंगलोर से जुड़ेंगे और वहां भी 7 दिन का एक कैंपेन होगा आपके कैंपेन के बाद रखने के लिए। हमने इसलिए बोला है कि क्लैश ना करें आपके साथ, इनकी कैंपेन क्लैश ना करें, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आपके पास हम पहुंचे और आप 8 जो हैं ये अष्टभुज हैं। हम बोलते हैं ना देवी अष्टभुजा, तो आप अष्टभुज हैं ये, यू आर द 8 arms ऑफ गॉड। तो आप 8 से 800 होंगे, 8,000 होंगे, 8,00,000 होंगे, ये मैंने होते हुए देखा है। स्वाति जी जब जुड़े थे हमसे तब हम लोग मेरे ख्याल से कुछ 30-40 लोग थे, है ना जी, जी, आज हम 862 हैं। तो ये जो चीज है ये मुझे एक सपना दिखने में मजबूर करता है कि ये सपना आगे के दिन में साकार होने वाला है, बिल्कुल होएगा, कि हर एक गरीब वो कैंसर के बीमारी से पैसे के कारण नहीं मरेगा। हम जनरल इंश्योरेंस जो वर्ल्ड वाइड है उनसे हमारी बातचीत एक रकम तैयार हुआ है कि अगले 50 साल तक हर दिन 200 गरीब आदमी रेडिएशन ले पाए प्रोटॉन थेरेपी का फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी खर्चा वो वहन करेंगे, हम उसको प्रीमियम देंगे और उसका अपना बाजू में ताकत दिया है भगवान, और ये ताकत आप सब है, यू ऑल आर द स्ट्रेंथ। मैं और नहीं बोलूंगा, अब 2-2 मिनट हम सुनेंगे आप लोगों से। स्वाति जी से सुना है, भानु जी आप कहिए, फिर रंजीत जी कहेंगे, फिर प्रकाश जी कहेंगे। प्लीज भानु जी आपसे सुनना है जी। बोलने को ही नहीं हो रहा है मैं हर टाइम चुप रहती हूँ करके मैं सभी इस कैंपेन में साथ और हमेशा साथ में काम करना चाहूंगी, गई मेरी गैलरी के साथ में ही करूंगी मैं काम। बिल्कुल रंजीत जी। यस नमस्ते रॉय जी। नमस्ते, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से कैंसर के बारे में जानकारी दी है और ये जरूरत हो चुकी है अब कि उन लोगों का सही से इलाज हो पाए और इस मानवीय कार्य में मैं हो सके उतना मेरा सहकार्य देने की कोशिश करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इस काम में जितनी भी जरूरत होगी, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं अपना समय दे पाऊंगा, ऐसी कोशिश करूंगा। आपके सभी कार्यों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, बिल्कुल हम साथ साथ हैं, तो हर कुछ मुमकिन है, मुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वो शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाथों से हाथ जुड़ते चले जाए तो कारवा बदता चलता है और काम बहुत ही आसान हो जाता है और वो अपने आप ही विकराल रूप ले लेता है और हर मुश्किल को आसान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू स्वाति जी फॉर, आपने एक्चुअली कनेक्ट की है हम सब से, तो ये ऐसे ही बना है करवा और बनते जाएगा। बिल्कुल सर। प्रकाश जी हैं हमारे साथ, क्या उनकी आवाज पहुंच सकता है?
कैन यू सी कंट्रोल? राजा जी आपको दिख रहा है कोई है? और कैन यू सी प्रकाश यादव जी विद अस? He is not there, sir, now. अच्छा, earlier he was there. तो ठीक है, आप बाकी जो हैं उनको आप हमारे संवाद पहुंचा दीजिएगा. ये शोक को हम यहाँ पे आज खत्म करते हैं. आप इस अगले एक घंटे में हमारा कैंपेन चालू होगा, जिस कैंपेन का जरिया रहेगा कि आपके एग्जीबिशन सफल हो, पूरी तरह सफल हो, और जो एक सपना को साकार होने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. हम कोशिश करेंगे फिजिकली खुद वहां आप साथ खड़ा होने के लिए 21 तारीख को. अदरवाइज हमारी पूरी ताकत रहेगा आपके साथ. हम नहीं भी पहुंच पाए, हमारी पूरी ताकत रहेगा. आपको वो महसूस होगा, वहां पे देखने को मिलेगा कि हमारी पूरी ताकत वहां पे रहेगा, खड़े आपके साथ. आप बहुत आगे इसको लेके जाएंगे ये उम्मीद के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी एंड फॉर जॉइनिंग दिस कैंपेन. धन्यवाद. थैंक यू सर. सर थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. Wonderful, wonderful. I wanted to introduce Dr. Anurag Agarwal. He is my partner on making these 4 hospitals in India. Welcome. आज के दिन में Dr. Anurag Agarwal is already managing director and owner of one of the most performing 100-bedded hospital in 150-bedded hospital in UP Moradabad, called Cosmos Hospital. And can we have Dr. Anurag on screen? Control? Yeah, I'm listening, yes. Yes, sir, yes. Because he has taken out from his hospital time. He was busy in his OT. And he said that the moment I come out of the OT, I will be with you. So, Dr. Anurag Agarwal will tell you that how we have made this possible of bringing 4 cancer research centers with cancer therapy center for the poor peoples. जहाँ पे हर एक हॉस्पिटल 100 bedded होंगे, 50 bed रहेगा for the people who can afford the proton therapy by paying, और 50 bed रहेगा for the poor जिनको एक नया पैसा, not even 1 penny they have to spend for their treatment in our hospitals. Dr. Anurag Agarwal, Managing Director, Cosmos Hospital, from Moradabad, UP, for you. Dr. Anurag Agarwal, please. Yes, actually I am in car right now. I am traveling, so there may be a difficulty in getting the signals properly. Even then, I will try to convey my some points. First of all, as you, Dr. Deepankar Rai, mentioned that we are in the building up of 4 hospitals across the India. So I have my friend who is in US. I have my friend who is in US, who is a big radiotherapist, and he is outsourcing the hospital radiotherapy in different hospitals in India, including Fortis Hospital, Delhi. And we are in the... we are in the conversation with him about the rest of the hospitals which we are going to make in different part of India. So as we discuss, we are planning to set up the hospital in Calcutta and Bangalore and Hyderabad and somewhere in UP and Assam. Of course in Moradabad. So yes, that's Dr. Agarwal, sir. Yeah. So hopefully we'll be able to do it in the next couple of years. Absolutely. Absolutely. That is the dream. And I'm sure that the dream will come true with all the spirits of all of you.
Right. And Dr. Agarwal is the partner to this making of the hospitals for the Indians and the world populations. Whoever will be coming, who cannot afford the proton therapy, the and treatment of cancer. I sincerely admire your efforts to serving the cancer patients through your art. It's really incredible and wonderful gesture. I must appreciate, and I am really delighted to be with you and be, you know, be associated with you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Safe drive home. And thank you. We will talk again as usual in the night. And thank you all. I wish your campaign a wonderful exhibition again. And thank you, Dr. Raja. So now you can start your job.